हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं खुफिया राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में अपने इंडियन और पाकिस्तानी भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूं। दोस्तों, जब से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हालिया झड़पें हुई हैं, तब से यूट्यूब पर कुछ यूट्यूब चैनल जो अफगानी, कुछ इंडियन और कुछ पाकिस्तानी, इन सबसे बढ़कर इंडियन मीडिया का एक दूसरे को झूठा साबित करने की बेबुनियाद रिपोर्टिंग पर इनका कारोबार खूब चमका और इस तरह के कुछ यूट्यूब चैनल्स और मीडिया हाउसेस की खूब चांदी हुई। ऐसी वीडियोस पर लाखों व्यूज़ आते हैं और ज़ाहिर बात है कि जब लाखों व्यूज़ आएंगे तो फिर अर्निंग, इनकी कमाई भी लाखों में होगी। और वो लोग जिनको दूसरी बार घर से सालन नहीं मिलता, वो रातों रात यूट्यूब स्टार बन गए। और जिनके पास कोई टैलेंट नहीं था और वेले और नाकारा लोग, वो यूट्यूब पर एक दूसरे मुल्क के खिलाफ ऐसे स्टाइल मार मार कर स्पीच दे रहे थे जैसे कि बहुत बड़े एंकर हों। और इन मीडिया हाउसेस ने खूब झूठ बोलकर, झूठी रिपोर्टें बना बना कर पाकिस्तान और इंडिया की आवाम में खूब नफरतों के बीज बोए। और इन दोनों मुल्कों की तकरीबन 1.5 अरब आवाम को बेवकूफ़ बनाया। पहला जो झूठ इंडियन आवाम से बोला जाता है कि जब कहीं भी किसी भी जगह कोई भी दहशतगर्दी का अटैक हो, उसका सबसे पहले चंद सेकंड में उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है, बगैर सोचे समझे और बगैर तफ्तीश किए। और चंद सेकंड में ही इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगा लिया जाता है कि ये दहशतगर्दी के अटैक पाकिस्तान ने करवाए हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें सुनने के बाद मेरे जहन में सिर्फ दो ही चीज़ें आईं कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया की बेस्ट तरीन स्पाई एजेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात का सबूत यह है कि अगर रॉ की परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी है तो वो ये अटैक होने से पहले इन हमलों को रोक क्यों नहीं सकती। और नंबर दो कि इंडिया की गवर्नमेंट और मीडिया बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है। दोस्तों, शायद आप में से चंद लोग ही ये बात जानते हैं कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जो और जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये बहुत बड़े नफ्सियादान होते हैं। इनको लोगों, आवाम की नफ्सियात का बड़ी अच्छी तरह से पता होता है। ये हमसे बेहतर हमको जानते होते हैं और ये वही चीज़, वही बात करते हैं जो हम, जो चीज़ हमको अच्छी लगे। और ये वो चीज़ हरगिज़ नहीं करते कि जो चीज़ हमको पसंद नहीं है, यानी कि इन्होंने वो बात करनी होती है जो हमको अच्छी लगे, जिस पर हम जज्बाती हो जाएँ। और जो मिर्च मसाले वाली चीज़ होती है, वो चीज़ ये करते हैं। और झूठा हुब्बल वतनी का ये राग अलापते रहते हैं, लेकिन इतने हुब्बे वतन होते नहीं हैं ये। इतना इनको प्यार नहीं होता मुल्क से या आर्मी से या किसी और चीज़ से, इनको बस अपनी कुर्सी से ही प्यार होता है। जैसे इंडिया के मीडिया और गवर्नमेंट को खूब पता है कि आप इंडियन आवाम पाकिस्तान दुश्मनी पर या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर इस तरह की बातों से आप बहुत खुश होते हो और बड़े जज्बाती हो जाते हो। और इसलिए पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक के लिए और जो मीडिया हाउसेज हैं इंडिया के, वो अपने चंद दिनों में करोड़ों रुपए का बिजनेस करने के लिए आप लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं। एक बार मैं कहना चाहता हूँ, आप इंडियन ईमानदारी से गूगल पर सर्च कर लें कि जब जब इंडिया के इलेक्शन की तारीख करीब आई, तब तब कोई ना कोई इंडिया में ऐसा वाक्या हुआ जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियां शुरू हो गई और दोनों मुल्क हालत जंग में आ गए। और पॉलिटिशियन और मीडिया हाउसेस और यूट्यूब पर बने कुछ इंडिया पाकिस्तान मुखालफ चैनल्स की चांदी हो गई, इनको करोड़ों अरबों का फ़ायदा हो गया है। पॉलिटिशियन को अपने वोट बैंक और इन यूट्यूब चैनलों को और मीडिया हाउसेस को करोड़ों रुपये का इश्तहार एडवर्टाइजमेंट की मद में इनको करोड़ों का बिजनेस, इनको करोड़ों का फ़ायदा हुआ। दोस्तों, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जो इल्ज़ाम आपका मीडिया और आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान पर लगा रही है कि वो सच है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ सच भी है तो फिर ये इसका हाल तो जंग तो नहीं है, जंग में तो दोनों का नुकसान होगा। ये मत हरगिज़ कभी ना सोचना कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, ये दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। दोनों मुल्कों की आवाम को इसके नुकसान होंगे। तो इसका हल ये नहीं कि फ़ौरन पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, पाक आर्मी को मतलब के डिस्ट्रॉय खुदा ना खासा करने की धमकियां दी जाएं, या पाकिस्तान पर एटम बम मारने की और जब पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद करने की धमकियां देना शुरू कर दें। जबकि हमारा पीएम कह रहा है कि अब अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हैं
जिन सबूतों से आपको पता चला कि ये पाकिस्तान ने हमले करवाए हैं, तो वो पाकिस्तान को दें, क्यों नहीं देती आपकी गवर्नमेंट? वो हरगिज़ नहीं देगी, क्योंकि सबूत अगर कोई होंगे तो फिर ही देंगे ना। आपके सियासी रहनुमा कहते हैं कि हम पाकिस्तान को अकेला कर देंगे, तो जाएं ना, आलमी फोरम बना है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये जो सबूत आपको मिले हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाई कराई है, तो ये सबूत यूनाइटेड नेशन में दें जाकर, ताकि पाकिस्तान को आप अकेला कर सके, ताकि पाकिस्तान की भी हरकतों करतूतों का सारी दुनिया को पता चले। क्यों नहीं देते आप? कैसे देंगे वे? कैसे देगा ये मीडिया, कैसे देगी आप गवर्नमेंट? बिकॉज ये सियासी फायदे के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इनके पास सबूत कोई होंगे तो तभी देंगे ना। एक बात बताएं आप, अगर आपकी किसी से लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, तो वो बंदा ज़्यादती भी आपसे करता है और कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ जो पिटीशन दायर कर देता है कि इस बंदे ने फलां फलां बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है। अच्छा, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, आपको लितर परेट करती है और आपकी आपका मुकदमा जो केस है वो जज के पास चला जाता है, और जज आपकी बात सुने बगैर ही आपके खिलाफ फैसला दे देता है। तो आप ईमानदारी से बताएं कि आपको कैसा लगेगा? आपको जज पे गुस्सा नहीं आएगा कि इसने मेरी, भाई मेरी तो बात सुनी नहीं, ये खुद ही फैसला सुना देता है? इसी तरह आपका मीडिया और आपकी गवर्नमेंट जो है बिला वजह, बगैर, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, वो पाकिस्तान पर चंद सेकंडों में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देती है कि पाकिस्तान की रियासत इसमें मुलव्वस है। तो हो सकता है कि, बल्कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान भी दहशतगर्दी में से गुजर चुका है, बल्कि अभी तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। तो क्या हम कहें कि भारत ने हमें ये हमले कराए हम पर? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश के बाद ही पता चलता है कि क्या होता है, और आप लोगों की गवर्नमेंट और मीडिया चंद सेकंड में पाकिस्तान के ऊपर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं कि जैसे, मतलब पता नहीं कितने ठोस सबूत इनके हाथ में लगे, पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्यामत ढा दिए। ओ भाई, देखो, सोचो, तफ्तीश करो, ऐसी तफ्तीशों को तो कई महीने, कई साल लग जाते हैं, चंद सेकंड में आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये पाकिस्तान की रियासत मुलव्वस है इसमें? अगर चंद अनासर इसमें मुलव्वस हैं, तो फिर इसका ये मतलब इनकी पूरी कौम आपके खिलाफ है। हम आपको भाई समझते हैं, आप भी हमको भाई समझो। ये नहीं कि आप खुद ही मदई, खुद ही जज और खुद ही वकील, लॉयर बनकर आप पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुना दो और पाकिस्तान पर जंग का फैसला थोप दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा महजब कौमें ये ऐसी ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करती। वो फैक्ट्स फाइंड करती हैं और उनके मुताबिक वो एक पुरमन जो है, वो एक जो तरीका अपनाते हैं, वो एक अच्छा तरीका अपनाते हैं कि ताकि हम दुश्मन को बेनकाब कर सकें। उनकी मतलब कि जो अगर आपके साथ ज्यादती करता है, तो आपके पास पूरा हक है उनको, उसको, ऐसे नासर को बेनकाब करने का, और लेकिन ऐसे नहीं, सबूतों के साथ, ठोस सबूतों के साथ आप ये चीज़ का, इस चीज़ का हल कर सकते हो। ये नहीं कि हम ऐसे मीडिया में चिल्लाना लग जाएं कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो। यार, हलवा वे हलवा नहीं है पाकिस्तान, कि आप इसको जब दिल किया खा लिया। और आप अपनी झूठी हुकूमत और झूठे मीडिया की बातों में आकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने लग जाते हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद या ऐसा कुछ, फ्लैग मतलब बर्न करने लग जाते हो। तो ऐसा मेरा आपको मशवरा है कि आप पहले ये भी, आजकल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आजकल कोई कुछ भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती। आप गूगल कर लें उसको, उसको यूट्यूब पे आप देखें, हमारी बात भी सुने, हमारे मीडिया की बात सुने, हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन सुने, हमारी अफवाज की बात सुने कि हम क्या कह रहे हैं, क्या मतलब कि हम अगर हम डिनाई कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि सबूत दो, तो आपको अपनी गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उनको सबूत दो, देखते हैं वो क्या करते हैं, बाद में देखेंगे ना कि क्या करना है, जंग करनी है कि क्या करना है। अगर नहीं कोई हल निकलता, फिर बाद में और बहुत ज़्यादा हल है, यूनाइटेड नेशंस हैं, वहाँ पर जाकर यह मसला हल हो सकता है। आप इंटरनेट पर सर्च करके और पाकिस्तानी मौक़िफ सुनकर फिर खुद फैसला करें कि क्या वाकई ही पाकिस्तान का कसूर है, या फिर आपकी गवर्नमेंट जो है ऐसे ही क्लाइम कर रही है कि भाई इसने, पाकिस्तान ने किया या ये किया या वो किया। और मुझे एक बात का इतना गुस्सा है कि बस दिमाग पागल हो जाता है, जो कि ये दोनों तरफ के मीडिया वाले ऐसे मतलब कि रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि हमने इतने फख्र से बता रहे होते हैं कि हमने इंडिया के इतने फौजी हलाक कर दिए, हमने पाकिस्तान के इतने फौजी हलाक कर दिए। यार, ऐसे लोग अनासर को मेरा मैसेज है कि यार शर्म करो कुछ, अपना मरे या दुश्मन का मरे,
अफसोस दोनों जगह पर करना चाहिए। खुशियाँ पटाखे फोड़ना या ढोल ढमक्के नहीं, किसी की मौत पर ढोल ढमक्के नहीं करना चाहिए। क्या हम इंसानियत के लेवल से इतना नीचे गिर चुके हैं? क्या हमें कोई इंसानियत ही नहीं है? क्या मज़हब फिरकों जात बरादरी ने हमको इतना अंधा कर दिया कि हम किसी के बहन भाई, किसी के बाप, किसी के बेटे के मरने पर, के शहीद होने पर हम ढोल बजाते हैं? क्या ये इंसानियत है? या क्या ये इंसानियत आपको ये दर्श देती है? क्या कोई मज़हब है इस तरह का, कोई ये कहता है कि आप किसी की मौत पे ढोल ढंग के बजाओ? ऐसे लोगों के लिए मेरा पैगाम है, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, कि आप बिल्कुल ज़रा भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आप में ज़रा भी इंसानियत नहीं है। आप एक क्या ये हैवानों वाला काम है ये? उसके घर वालों पे, उसके माँ बाप, उसकी बीवी बच्चे, उन पर क्या क़यामत गुजर रही होगी कि जिसके शहीद होने पर आप ढोल बजाते हो, नारेबाजी करते हो, आप खुशियाँ मनाते हो? बल्कि मैं तो कहता हूँ ऐसी गवर्नमेंट को लात मार कर ऐसे मीडिया का बाइकॉट कर देना चाहिए जो कि अमन पीस को दबाए और जंग को हवा दे, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। मेरा तो ये मशवरा है आप सब भाइयों को, जो मुल्क यानी कि अगर पाकिस्तान इंडिया पर या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करे, तो आप उस मुल्क की आवाम अपने मीडिया और अपने क्या कहते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े हों, सड़कों पर आ जाएं और जंग ना करने पर इन ऐसे नासुर को मजबूर कर दिया जाए। दोस्तों, जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जंग जंग करने वालों को मेरा पैगाम है कि आप मुझे सिर्फ कुछ मेरे सवालों का जवाब दे दो। जब जंग होगी तो तब, जब आपके सारे घर वाले, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे आस पास बिखरे होंगे, खून से लिपटे, आपकी बाहों में दम तोड़ रहे होंगे, उनकी आखिरी सांसें चल रही होंगी, तब आपको कैसा महसूस होगा? क्या तब भी आप कहोगे कि जंग होनी चाहिए? क्या आप तब भी जंग करना आपको ज़रूरी, आप ज़रूरी समझोगे? सोच कर कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि क्या आप तब भी ऐसा ही कहोगे कि जंग होनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।